हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सन 1971 में फिल्म खिलौना के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली मुमताज का करियर छोटी और सहायक भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ था। बाद में उन्होंने तरक्की की और अपने समय के सभी टॉप एक्टरों के साथ मुख्य भूमिकाओं में काम किया। उन्हें 60 और 70 के दशक के बेहतरीन एक्टर्स और डांसरों के रूप में याद किया जाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुमताज के 10 बेहतरीन किरदारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं उनके पहले किरदार की तरफ। नंबर 10, किरदार प्रिंसेस अरुणा, फिल्म डाकू मंगल सिंह। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। उसके बाद उनका करियर भीमसेन, सैमसेन, आंधी और तूफान, रुस्तम ए हिंद और राका जैसी फिल्मों से आगे बढ़ता रहा। उन्होंने लगातार 16 एक्शन फिल्मों में काम किया और उनकी इमेज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन फिल्म अभिनेत्री की बन गई। इसी बीच मुमताज दारा सिंह के साथ इस फिल्म में प्रिंसेस अरुणा के किरदार में नजर आई, जिसे लोगों ने बड़ा पसंद किया। और अब तक मुमताज का रुतबा इतना बन चुका था कि वो किसी छोटी मोटी हीरोइन के बराबर नहीं बल्कि एक बड़ी अभिनेत्री की फेस लेती थी। नंबर 9, किरदार शांता, फिल्म राम और श्याम। तापी चाणक्य के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दिलीप कुमार के डबल रोल के लिए याद किया जाता है। हालांकि मुमताज के करियर में ये फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार और मुमताज के अलावा वहीदा रहमान, नासिर हुसैन और कन्हैया लाल जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। नंबर 8, किरदार रूपा शर्मा, फिल्म ब्रह्माचारी। ये फिल्म शम्मी कपूर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शम्मी कपूर के साथ इस फिल्म में मुमताज, राजश्री, प्राण, जगदीप, सचिन और आशीष सेन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। बप्पी सोनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुमताज का किरदार रूपा शर्मा का है, जो ब्रह्माचारी यानी शम्मी कपूर का प्रेमिका है। कहा जाता है कि इस फिल्म से ही शम्मी कपूर और मुमताज के बीच प्रेम का व्यक्तिगत रिश्ता भी पनप गया था। नंबर 7, किरदार रीना, फिल्म दो रास्ते। अब तक मुमताज का वादा फिल्मों में काफ़ी बड़ा हो चुका था और इस फिल्म में वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई। इस फिल्म से उन्हें एक सफल अभिनेत्री का दर्जा भी मिला। हालांकि फिल्म साइन करने से पहले इस फिल्म में मुमताज का एक छोटा सा किरदार होने वाला था, लेकिन जब इस फिल्म का निर्देशक राज खोसला को मुमताज का ख्याल आया तो उन्होंने राजेश खन्ना के साथ उनके 4 गाने फिल्माए। मुमताज का किरदार इस फिल्म में रीना का है, जो कि राजेश खन्ना के किरदार सत्यन गुप्ता की प्रेमिका है। ये फिल्म निचले और मध्यम वर्गीय परिवारों की ऊंच नीच को दर्शाती है। नंबर 6, किरदार रीता, फिल्म आदमी और इंसान। बी आर चोपड़ा के निर्माण और एस चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए भी मुमताज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म में मुमताज के अलावा धर्मेंद्र, सायरा बानो, फिरोज खान और रंधावा आदि कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। मुमताज के किरदार इस फिल्म में रीता नाम की लड़की का है, जो कि फिरोज खान के किरदार जयसिंह और जेके की प्रेमिका है। नंबर 5, किरदार चांद, फिल्म खिलौना। तमाम छोटी बड़ी और अलग अलग तरह के किरदार करने के बाद मुमताज इस फिल्म में एक भावुक लड़की चांद के किरदार में नजर आई। लोगों को भी एक तवायफ के किरदार में मुमताज बहुत पसंद आई और उनके अभिनय की तारीफ चारों दिशाओं में हुई। फिल्म भी सुपरहिट रही और मुमताज को इस फिल्म ने दिलाया अपनी जिंदगी का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। मुमताज के साथ इस फिल्म में संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र मुख्य भूमिका में नजर आए। नंबर 4, किरदार पारो, फिल्म तांगे वाला। जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार के भाई नरेश कुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म वही गांव वालों के किसी जमींदार के साथ खेती बड़ी और अपने हक की लड़ाई वाली रंगों में रंगी हुई नजर आई। इस फिल्म में मुमताज के किरदार पारो का है, जो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राजेंद्र कुमार के किरदार राजू की प्रेमिका है। हालांकि फिल्म ने बहुत बड़ा कोई नाम नहीं किया, लेकिन मुख्य अभिनेत्री के तौर पर मुमताज ने इसमें शानदार काम किया है। नंबर 3, किरदार रेखा, फिल्म चोर मचाए शोर। बेशक अशोक राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म शशि कपूर की बेहतरीन काम के लिए याद की जाती है, लेकिन इस फिल्म में मुमताज के किरदार भी रेखा का है, जो एक अमीर लड़की है। वही शशि कपूर के किरदार विजय से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता रेखा की शादी विजय से नहीं करवाना चाहते क्योंकि विजय अमीर नहीं है। नंबर 2, किरदार शालिनी आर शास्त्री, फिल्म आईना। मुमताज की इस फिल्म में हालांकि राजेश खन्ना का सिर्फ स्पेशल एफरेंस है, लेकिन फिर भी इसमें वो मुमताज के साथ ही नजर आई। फिल्म में मुमताज का किरदार शालिनी आर शास्त्री का है, जो एक बड़ी परिवार में रहती है। परिवार बड़ा है लेकिन आमदनी कुछ नहीं है। अपने परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए शालिनी अपनी माँ की आर्थिक तौर पर मदद करती है, हालांकि इसके लिए उसे सेक्स वर्कर बनना भी पड़ता है। नंबर 1, किरदार शकुंतला, फिल्म आंधिया। अपने सफल करियर के लगभग 2 दशक बिताने के बाद मुमताज फिल्मों से दूर हुई और 13 साल बाद उन्होंने शकुंतला के किरदार में इस फिल्म के साथ वापसी की। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है। ये फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें मुमताज का किरदार शकुंतला, शत्रुघ्न सिन्हा के किरदार दुष्यंत की प्रेमिका है। दुष्यंत के पिता नहीं चाहते कि शकुंतला के साथ दुष्यंत हो, क्योंकि शकुंतला एक गरीब परिवार से है। ये फिल्म इन दोनों के ही प्यार के बीच आई संघर्ष को दर्शाती है।